अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो टुडे मैं लेक्चर डिस्कस कर रही हूँ वो है नॉर्टन थ्योरम के बारे में है। बेसिकली इसमें हमारे तीन स्टेप्स होंगे। स्टेप वन में हमें क्या करना होगा कि करंट फाइंड करना है, नॉर्टन करंट, जिसको हम IN से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड वाले स्टेप में क्या होगा, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। जिसको हम RN से रिप्रेजेंट करेंगे वो है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। थर्ड वाला स्टेप है जिसमें हमने टोटल करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस को लेना है और नॉर्टन्स करंट को लेना है। इसको करके हमने टोटल करंट निकालनी है। अगर हम देखें तो नॉर्टन्स करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, IN इज इक्वल है V ओवर R। V क्या है, वोल्टेज, और R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस का फार्मूला। सिंपल रेजिस्टेंस नहीं है, नॉर्टन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 प्लस। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, प्लस हो रही है दोनों रेजिस्टेंस। ऊपर दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे दोनों रेजिस्टेंस क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। और थर्ड जो हमारा स्टेप जिसमें हमने टोटल करंट फाइंड करना है, उसमें क्या है, हमने नॉर्टन करंट लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है नॉर्टन रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। ओवर हमने क्या लेना है, RL। RL यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस को, ठीक है। प्लस हमने किस इसको कर देना है, किसके साथ, नॉर्टन रेजिस्टेंस के साथ। दोबारा देख लीजिए, अगर टोटल करंट का फार्मूला है IN मल्टीप्लाई बाय RN ओवर RL प्लस RN, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि इस टाइप अगर पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपने बेसिकली फार्मूलेज तीनों याद रखने हैं। ये फार्मूलेज आपको याद होंगे तो आप इसकी जो क्वेश्चंस से रिलेटेड आएंगे वो कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास क्या है, वोल्टेज है 24 वोल्ट है, ठीक है, 24 V है। इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं और V भी कह सकते हैं। बैटरी लगी हुई है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। हमने इसमें सिर्फ दो रेजिस्टेंस लेनी है, एक वोल्टेज सोर्स लेना है, दो रेजिस्टेंस लेनी है और एक लोड रेजिस्टेंस लेना है इसमें, इस वाले सर्किट में, ठीक है। आपको ये एग्जामिनर क्या होगा, कोई भी वैल्यूज दे सकता है। जैसे मेरे 24 वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो यहाँ पे 25, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। रेजिस्टेंस 6 है मेरी, R1 क्या है, 6 है, R2 मेरी है 3 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो सकती है, जैसे 4, 5, 6 एनी कोई भी हो सकती है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस जैसे मैंने 4 ओम दी है तो वो आपको इसके अलावा कोई और भी दे सकता है। बेसिकली आपने स्टेप को सीखना है, स्टेप हमने करने कैसे हैं। जब आपको इसकी समझ आ जाएगी तो इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। फार्मूलाज याद करने के बाद आप लोग एक एग्जांपल याद रखिएगा जो मैं देने लगी हूँ। इसके अलावा आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर रख के, क्योंकि दो तो रेजिस्टेंस है लेनी, एक लोड रेजिस्टेंस लेनी है और एक वोल्टेज सोर्स लेनी। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें स्टेप वन पे आ जाते हैं। स्टेप वन में हमने देखा था कि IN हमने फाइंड करना है और IN का हमारे पास बेसिकली फार्मूला था V ओवर R। V यहाँ पर हमारा क्या है, 24, ठीक है, और R जो यहाँ पे R लिखा हुआ है लेकिन आपने R1 लेना है, ठीक है। 24 ओवर 6 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 एम्पायर आ जाएगा। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पायर का, और एम्पायर किसका यूनिट है, करंट का, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पे करंट ही फाइंड कर रहे हैं ना। तो जब इसका आंसर आ जाएगा तो तब हम इसके साथ ऐसा यूनिट भी लगाएंगे। स्टेप टू है RN हमने फाइंड करनी है। तो RN का हमने ऊपर क्या फार्मूला देखा था, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, R1 को मल्टीप्लाई करना है R2 के साथ, और ओवर में हमने क्या करना है, R1 प्लस R2, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, R1 हमारे पास क्या है 6, R2 क्या है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें और नीचे ऐड करना है 6 प्लस 3, तो हमारे पास 18 ओवर 9 आ जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 ओम आंसर आ जाएगा।
और रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इसी वजह से हम साथ इसका यूनिट ओम लगाएंगे, ठीक है। स्टेप थ्री में हमने क्या करना था, टोटल करंट फाइंड करना था। करंट का फॉर्मूला फिर देख लेते हैं क्या है टोटल करंट का, आई एन मल्टीप्लाई बाई आर एन ओवर आर एल प्लस आर एन, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हमारे पास आई एन क्या आया, ऊपर देख लेते हैं 4 एम्पायर आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, आर एन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर 4 हमारे पास किसकी वैल्यू है, लोड रेजिस्टेंस की 4 वैल्यू है, प्लस किसके साथ करना है, आर एन के साथ, और आर एन की वैल्यू है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8/6 आ जाएगा। एक कैलकुलेटर के बाद साथ सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आप पॉइंट में आ जाएगा 1.33 एम्पायर। ये हमारा आंसर है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।